नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवराज शोम है और मैं अमेरिकन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइज करता हूँ। आज मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताने वाला हूँ। कॉस्मेटिक सर्जरी यानी वो सर्जरी जो की जाए शरीर और चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। कॉस्मेटिक सर्जरी वो चीज़ है जिसको आपको तरुण बना सकती है, आपको दिखने में एकदम यंग और पहले से बेहतर बना सकती है। कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है आजकल एक स्पेशल ब्रीड ऑफ सर्जन जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। पहले क्या होता था कि लोग जिनको प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग थी वो MCH प्लास्टिक सर्जरी करते थे या फिर कोई और ट्रेनिंग लेते थे। बट कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत ही विभिन्न प्रकार की ब्रांच है। ये वो ब्रांच है जिसमें हम पेशेंट्स को तो एक्चुअली ट्रीट करते ही नहीं है। नॉर्मल लोग जो बेहतर लगना चाहे, नॉर्मल लोग जो और ज्यादा तरुण लगना चाहे, नॉर्मल लोग जो अपने आम जिंदगी में भी थोड़ा बेहतर दिखना चाहे, उन पे कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। और क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी पेशेंट्स पे नहीं की जाती है, इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी में रिस्क हमारा हमेशा 0% होना चाहिए। और क्योंकि वो 0% लाना बहुत ही मुश्किल बात है, इसीलिए स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है हमें कॉस्मेटिक सर्जरी में, और स्पेशल तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी होते हैं जिससे लोग सुंदर दिख सके। आज अगर हम भारतवर्ष में बताएं कि सबसे 5 ज्यादा होने वाली कॉस्मेटिक सर्जरीज कौन सी हैं, तो ये है, पहली सर्जरी तो है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी। नाक चेहरे के सेंटर में है और नाक की सर्जरी अगर हम करते हैं तो हमारी नाक सुंदर हो सकती है, दिखने में ज्यादा शार्प हो सकती है, फोटोज अच्छे आ सकते हैं और वो पूरे चेहरा जैसे लग रहा है उसे बदल सकता है। तो राइनोप्लास्टी सर्जरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चेहरे पे हमें यह याद रखना पड़ेगा कि हर मिलीमीटर शरीर के और दूसरे हिस्से के 1 इंच के जैसा है। मतलब एक छोटी सी बदल भी आपके चेहरे को बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा बेहतरीन बना सकती है। तो राइनोप्लास्टी हमारी टॉप मोस्ट सर्जरी है। सेकेंड सर्जरी हमारी जो बहुत कॉमनली लोग भारतीय लोग आज कर रहे हैं वो है अंडर आई या फिर ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी। ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी है अगर आपकी आंख थोड़ी सी एक एसिमेट्रिकल है, पूरी तरह सेम लेवल पे नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है, या फिर बहुत ज्यादा टिश्यूज लूज हैं, या फिर अंदर आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं, या फैट बैग्स हैं, या दिखने में जरा अच्छा नहीं लग रहा है, आप थके हुए लग रहे हैं, इन सब केसेस में ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। और ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करने से आपका चेहरा और आपकी आंखें बहुत तरुण लग सकती हैं। थर्ड सर्जरी जो हम बहुत कॉमनली करते हैं उसको हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम हेयर फॉलिकल्स पीछे से लेके सामने अगर आप गंजे हो रहे हो तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है। हम जानते हैं वो काफी पुरुष और काफी महिलाएं बाल गिरने की समस्या से बहुत परेशान हैं। और बाल जैसे गिरते जाते हैं, आपका जब कपाल थोड़ा और मोटा हो जाता है तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, दिखने में थोड़ी उम्र भी ज्यादा लगती है अगर बाल पूरी तरह गिर जाते हैं तो। इस बाल झड़ने की समस्या को हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी से ट्रीट किया जाता है और ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर वो चला है आज। चौथी सर्जरी जो हम बहुत रेगुलरली करते हैं उसको बोलते हैं फेसलिफ्ट सर्जरी। फेसलिफ्ट सर्जरी मतलब चेहरा जो धीरे धीरे अंदर नीचे आ रहा है, धरती माँ हम सबको नीचे खींच रही है और जैसे जैसे हमारा चेहरा नीचे कोलैप्स होता जा रहा है, हमारी हम दिखने में इतने तरुण नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि 50 साल की आयु में भी हमारे अंदर की एनर्जी और स्फूर्ति उतनी ही हो जितने हमारी 30 साल की उम्र में हो, लेकिन चेहरा दिखने में टायर्ड लग रहा हो, चेहरा दिखने में थका हुआ लग रहा हो, उन सब केसेस में हम फेसलिफ्ट सर्जरी कर सकते हैं जिससे फेस को लिफ्ट किया जाता है सर्जिकली और फिर दिखने में आप एकदम तरुण लगते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और स्टार्स बोलेंगे तो नहीं, पर वो यही फेसलिफ्ट सर्जरी करते हैं जिससे 60-65-70 साल की उम्र में भी वो 30-40 के लग सके। हमारी पांचवी जो सर्जरी है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा वो एक्चुअली सर्जरी नहीं है, वो नॉन सर्जिकली इंजेक्शंस और बाकी सब कुछ मशीन्स इस्तेमाल करके नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट की जाती है। मतलब सर्जरी करने की जरूरत नहीं, चेहरे को काटने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कुछ मशीन्स वगैरह से चेहरे पे और कुछ इंजेक्शंस के द्वारा आप चेहरे को और ज्यादा तरुण बना सकते हैं। कुछ तरह से अगर देखें फिलर इंजेक्शंस जो होते हैं वो आपकी जो चेहरे में कोलेजन की कमी होती है उम्र के साथ उसको रिप्लेस करने में काम आती है और ये सब फिलर इंजेक्शन से आप बहुत ज्यादा यंग लग सकते हैं। तो ये है कॉस्मेटिक सर्जरी का दारोमदार इस वक्त जो है, और हिंदुस्तान में भारतवर्ष में इस वक्त कॉस्मेटिक सर्जरी का काफी प्रचलन हुआ है।
इनफैक्ट अगर आप देखें हमारे बहुत सारे पेशेंट दुनिया के विभिन्न पार्ट से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सब देशों में कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा महंगी है, हिंदुस्तान में उसके प्राइसेस काफ़ी कम है, शायद 10 भाग से भी ज़्यादा कम हिंदुस्तान में, और हमारे जो सर्जन्स हैं वो तो आप जानते ही हैं विश्व प्रसिद्ध होते हैं। तो इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी करके आप बहुत ज़्यादा बेहतर लग सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं मुझे क्या ये ज़्यादा नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी करना, हमें नेचुरली ग्रेसफुली एज करना चाहिए। बिल्कुल सही, हर किसी को कॉस्मेटिक सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप तरुण दिखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और वैसे भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, चेहरे पे मेकअप लगाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं अपनी पर्सनालिटी को उभारने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को आगे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी भी आज के परिस्थिति में अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है करवाना, बट जानना ज़रूरी है, जानकारी रखना ज़रूरी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे पास उपलब्ध है, जिससे लोग और ज़्यादा तरुण लग सकते हैं। एक तरह से हम ऑपरेट तो फेस पे करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है दिमाग में, जो आपका आत्मविश्वास है। तो उस सेंस में यहाँ पे सर्जरी करने से इम्पैक्ट और पूरा असर यहाँ पे पड़ता है। तो ये जानकारी रख के और आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से।